हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड. दिस इज सीमाक्षी एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे. तो अभी अभी हम जा रहे थे गुम्मा, क्योंकि हमें सूट देना था सिलवाने को. मैं और मम्मा जा रहे हैं, तो दीदी तो शॉप पर ही रहेंगी. इनका सूट मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले भी सूट दिए थे, तो मैं लेकर आऊँगी साथ में. वैसे भी दीदी का नाप तो वहाँ पर दिया है, तो फिर दीदी का सूट मैं लेके जाऊँगी. तो दीदी यहीं पर रहेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में ना फंक्शन है एक, तो उसके लिए हमें सूट सिलवाना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं. तो हमें हो गया है बहुत लेट, क्योंकि कस्टमर आ गए थे और इनका वेट कर करके क्या हाल है. ठीक है. सो गाइस, मैं पहुंची हूँ गुम्मा और मैंने ना स्लीपर्स पहने हैं और मैं इसी में ही आ गई हूँ. तो ये है शॉप. तो मैं यहाँ पर बैठा रही हूँ इसे अभी हम पे. ये स्कूटर है प्रिशु का और इसके ऊपर ये सवारी करेगी और अभी जाएगी ये यहाँ से फुर्र होके घूमने. तो चलो बैठो स्कूटर नहीं, पर. नहीं, इतनी सी स्कूटर पर मैं कैसे बैठू. बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ. क्या सीन स्कूटर है? पर जाना है, चल बैठ बैठ बैठ. गाइस ये स्कूटर पे नहीं बैठ रही है. गाइस, सुबह सुबह याशु आई थी हमारे घर, क्योंकि इसका एनुअल फंक्शन है स्कूल में. और फिर ये रेडी होने आई थी. क्या मैं तो सोई हुई थी, वो ना माउस बनी है. हाँ. फिर शाम को फोन आया था भाभी का कि काजल पूरी करेगी मेरा लड़का. पाप पाप नहीं करोगे, पूरी अच्छा करेगी. फिर उन्होंने फोटो भेजी, फिर मैंने वैसा वैसा. मैं तो सोई हुई थी, मैं तो रात को फीवर था बहुत ज्यादा और मैंने दवाई खाई. हाँ थोड़ा ठीक ही है, पर ऐसी थोड़ी कंपन जैसी हो रही है. यू यू दे ये क्या है? आज मौसम इतना गंदा है ना, और मुझे मन भी नहीं कर रहा है नहाने का. मेरी शक्ल देखो क्या बन गई है, तो नहाना तो पड़ेगा. गाइस हमने सफाई कर लिया और दीदी अब हीटर साफ कर रही है, इसमें धूल लग गई है. सो गाइस मैं आ गई हूँ नहाकर और दीदी ले रहे हैं यहाँ पर टैबलेट, क्योंकि अभी भी है उनको थोड़ा फीवर. तो फिर अब चलते हैं शॉप और इसके बाद हमें इतनी बड़ी बड़ी काम से भी जाना है. इंस्टा चला रहे थे ना, तो उसमें एक सॉन्ग आया, मतलब बहुत ही इमोशनल था वो. तो जब भी मैं ऐसा कुछ देखती ना, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ. पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूँ, पता और नहीं मैं तो रो पड़ती हूँ. और दीदी भी सेम, हमारा ऐसे ही है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल. सॉन्ग पता कैसा था वो? बचपन के वो खेल खिलौने. और क्या था के? हाँ ऐसे ही था, मतलब उसमें ना दो बहनें थी ना, एक की शादी हो रही थी, उसको हल्दी लग रही थी, तो फिर ऐसे वो उसको हग करके जैसे हुआ ना, और ये सॉन्ग है बचपन की. हाँ. वो मुझे तो वैसे ही थोड़ा अंदर से इमोशन जागे, मैंने उसको स्किप कर दिया. आज बहुत ज्यादा ठंड है. ओ गॉड, मेरे बाल भी गीले हैं, पता नहीं कब सूखेंगे. गाइस मैं आई हूँ घर से थोड़ा ही दूर, मैं मम्मा और भाई, क्योंकि मम्मा की दवाई लेनी थी, उसके लिए हम आए हैं. कहाँ पर है? कहाँ है? वाह कितनी सारी है. तो अभी हम ना यहाँ पुल पे है ना, और भाई दिखा रहा है कि यहाँ पर ना मछलियाँ है बहुत सारी, बट यहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ है नीचे. और अगर मेरा फ़ोन गया ना, तो मैं फिर गई काम से. तो अभी हम इधर उधर घूमने लग गए, क्योंकि जो अंकल यहाँ पे दवाई देते हैं वो यहीं पास में गए हैं. अभी 10 मिनट्स लगेंगे. तो यहाँ से ना वहाँ ऊपर आपको शायद नहीं दिखेगा ना, एक पेड़ है परसीमल का, उसमें इतने लाल लाल परसीमल लगे हैं. तो मेरा मन कर रहा है कि मैं निकाल लूँ, बट वहाँ लोग हैं, मैं जाऊँगी नहीं. तो
जहाँ हम अभी आए हैं ना, यहाँ का मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है छेला से और यहाँ का, तो होगा आई थिंक 6-7 किलोमीटर। तो मैं ना ऐसे घर के कपड़ों में ही आ गई हूँ, तो फिर मुझे लगा कि पास में तो जाना है तो क्या कपड़े पहने, तो इतनी ज़्यादा ठंड है, फिर कपड़े खोलो तो फिर ठंड लग जाएगी, तो पास में ही आया था, तो मैं ऐसे ही आ जाती हूँ, तो मतलब चलता है ऐसे ही। जयशु आ गई है अपना फंक्शन अटेंड करके, पर ये चुप चुप है बहुत। फर्स्ट टाइम ही ये माउस बनी है। आज तो क्या हुआ, तबीयत खराब हुई थी। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, भूख लगी है, फिर क्या हुआ, पानी पी ना, नींद आ रहा है, नींद आ रही, नींद आ रही, खाना है कुछ, क्या लगी, फिर ऊपर चली जाए, खाना खाना है, चुप चुप के सी मूवी के साथ चली, क्या हुआ, ये रसोई तो खराब ही, रोटी नहीं खाई ना, अच्छा लंच किया है, किया है लंच किया नहीं, अरे ये क्या हो गया, एकदम से क्या हुआ, अभी ये चुप थी अब तो क्या है अशु, हो गया है अभी तक तो लग रहा है, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या हो गया होगा, मैं भी सोच रही हूँ भाई क्या हो गया, ये चुप्पी है और एकदम से बम फट गया है, बम फट और हम परेशान कर रहे हैं, ये परेशान कर रही है, तो चुप क्यों है, इतना चुप तो देखा ही नहीं कभी, अभी भी नहीं। तो हम जा रहे हैं लंच करने और हमारा लंच हो रहा है 3:30, क्योंकि हम बिजी थे तो लंच नहीं कर पाए, तो चलते, बहुत भूख भी लगी है, लगी है भूख, बीमार आदमी, हम तोरे कल पट्टी में बंदूक धर दिए है और चलाओ बंदूक, क्या तुम चुप पे रहो, जब पे हम बंदूक चलाई थे तोरे कन पट्टी उड़ जाई और तुहार हमारा तो का हुई है, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहिए, का हुई है, टूटा फूटा चलता है बे, बिग बॉस की तरह, ये बे बे बोलना कहाँ से सीखे है, क्या लेकर आए हो आप, क्या लेकर आए, साबुत मिर्च और, तो ये तो बहुत है, कहाँ से लाए, किसने देखने वाला है, बहुत है ये, ये पूरी साल की तो ला ली, एक किलो मलाई सब्जी, सब्जी कौन सी है, ये है क्या भी था, ये है, अच्छा ये तो अरबी है, सो गाइस आज का मेरा लंच है कड़ी चावल पिकल ककुम्बर और पानी, क्योंकि लस्सी ना खट्टी हो गई है, तो फिर लस्सी तो मैं नहीं पीऊंगी, तो फिर मैं कर लेती हूँ लंच, दीदी ने तो कर लिया है, तो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।